सकते थे कि वो हमारे जो जो इंटरेस्ट है उनमें कहीं भी कोई बाधा बन के खड़ी ना होने पाए, ये भी हमको देखना था। इसके साथ साथ ये भी देखना था कि हमें पब्लिक सेक्टर डेवलप करना है, कि हमें प्राइवेट सेक्टर डेवलप करना है, गवर्नमेंट का रोल हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें जब स्वतंत्र हुए तो सब कुछ हमारे सामने नया नया था। तो जो भी पॉलिसी फ्रेम हुई वो अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रख करके हुई थी। और आप सभी जानते होंगे कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जाती है तो इसके अंतर्गत सारी वो एक्टिविटीज होती हैं, सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम आने वाले होते हैं, क्योंकि पॉलिसी के बेस पर ही गवर्नमेंट काम करती है। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो हमारे सामने दो सेक्टर आते हैं, कि एक पब्लिक सेक्टर आता है, एक प्राइवेट सेक्टर आता है। अगर आप अपने 1991 की पॉलिसी को, जो बिल्कुल करंट, इसके बाद तो उसमें कुछ सुधार होते रहे, कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं मिल पाई है, तो उसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरह से उद्योगों को धीरे धीरे रिलैक्स करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ा गया। और आज हम यहाँ पर आकर के अब बात कर रहे हैं, ये 91 से ही इसका प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था। बल्कि अगर आप 56 और 77 की पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में रिलैक्सेशन की बात शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि पूंजी की कमी है गवर्नमेंट के पास और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंटरप्रेन्योर है, जिनके पास कैपेसिटी है, तो वो इसको डेवलप करने में इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की संरचना रही, स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया कि हमारी इकोनॉमी को कैसे ये अपग्रेड कर सकता है। सबसे पहली पॉलिसी हमारी आई थी 6 अप्रैल 1948 को, जिसको हम पहली औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। और उस समय के जो हमारे उद्योग मंत्री थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले औद्योगिक नीति आनी थी, तो इसमें केवल यही जोर दिया गया था कि जो भी पॉलिसी आए वो इस तरह की फ्रेम की जाए कि इसके अंतर्गत हमारी इकोनॉमी को ऊपर रखा जाए, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, उनको ऊपर रखा जाए और फॉरेन जो इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा नीचे रखा जाए। फॉरेन कैपिटल ऊपर हावी न होने पाए, हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट हावी रहे, इसको ध्यान में रख करके ये पॉलिसी बनाई गई थी। तो इसके अंतर्गत डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की बात कही गई थी, घरेलू उद्योग, देशी उद्योगों को विकास की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि इनको, यानी जो भी देशी उद्योग हमारे यहाँ विकसित हो, इनको विदेशी हितों के अधीन काम करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नई पॉलिसी बनी थी तो ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा ना हो कि जो जो ब्रिटिश शासनकाल की पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करते रहे। तो उसमें ये चेंज किया गया कि जो पॉलिसी फ्रेम हो 1948 में जो की गई है उसके अंतर्गत केवल और केवल जो हमारे घरेलू हित हैं उनको सर्वोपरि माना जाए। लेकिन चूंकि पहले से जो उद्योग चल रहे थे तो इसके ब्याह पर ये डिसाइड किया गया कि मिक्स इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ साथ आगे बढ़े, इसको इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत दोनों को साथ काम करने के लिए कहा गया। लेकिन प्रायोरिटी रखी गई कि हमारे जो अपने उद्योग हैं वो हमेशा ऊपर रह करके देश हित में काम कर सकें। दूसरी चीज कही गई कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनके अंतर्गत एक जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए वो अपने उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर चलेगा तो, लेकिन जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों के अधीन होकर के उनको काम करना पड़ेगा। तो कुछ तरह से अगर देखा जाए तो इस जो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने काफी हद तक एक जो धुंधला वातावरण था कि हम तुरंत तुरंत हमको इंडिपेंडेंसी मिली थी, हमने इंडिपेंडेंट हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि किस तरह से हम अपने काम को शुरू करें, कैसे हम अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएं। तो काफी हद तक जो वातावरण धुंधला था उसको साफ करने का प्रयास किया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से दोनों में एक समन्वय स्थापित करते हुए और डोमेस्टिक को ऊपर रखते हुए उस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको नीचे रखते हुए एक मिक्स इकोनॉमी की शुरुआत
की जाए। तो इससे आधार पर जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमारा जो औद्योगिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से इस पॉलिसी के अंतर्गत एक साधारण तौर पर जो बात कही गई कि ऐसा अधिकार और ऐसा प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए था कि इसमें जो भी हमारे कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करें वो विदेशी कर्मचारियों का स्थान लेने की ताकत रख सकें। यानी चूंकि नए स्वतंत्र टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कैपिटल की भी कमी है, तो डेफिनेटली हमको इनको ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन जो भी इनको ट्रेनिंग दी जाए वो ऐसी दी जाए कि कहीं ना कहीं पर वो बाद में जो हमारे फॉरेन वर्कर्स हैं जिनको हम मानते हैं कि यही हमारे इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट उनके माध्यम से किया जा सके। दूसरी औद्योगिक नीति इसके तुरंत बाद आई थी जो 30 अप्रैल 1956 के अंतर्गत आई थी, 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलीज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो बीच का समय था 8 वर्षों में बहुत कुछ हमारी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। संसद में भी ये अनुभव किया गया था कि समाजवादी ढंग का समाज स्थापित किया जाए जिसके अंतर्गत ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाए जो कि हमारे देश को ऊंचा उठाने के लिए या जो स्वयं की बनाई आर्थिक नीतियां हों जो हमारे देश के उद्योगों पर उनको बढ़ाने पर काम कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण किया गया कि उद्योगों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला वर्ग था का वर्ग, जिसमें ये कहा गया कि जो भी इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी राज्य के अधीन होंगी और इस सूची में लगभग 17 उद्योग रखे गए थे और ये कहा गया था कि ये 17 उद्योग इन पर पूरा का पूरा राज्य के ये अंडर में ही रहेंगे, सरकार ही इन पब्लिक सेक्टर में ही ये लगाए जाएंगे, सरकार के नियम इन पर लागू होंगे और सरकार ही इनका मैनेजमेंट, इनका रखरखाव, नियंत्रण अधिकार सब कुछ गवर्नमेंट का ही होगा और उसी के आधार पर इनके अधिक विस्तार की बात इस औद्योगिक नीति में कही गई थी। यानी जो 17 उद्योग है वो पूरी तरह से सरकार के साये में रहकर के पनपेंगे और वहीं से इनका एक्सपेंशन भी हो जाएगा। दूसरा वर्ग था जिसमें कहा गया था कि जिन पर राज्य का अधिकार तो होगा, यानी जिसको खा वर्ग की सूची में रखा गया था, अधिकार तो राज्य का होगा, बढ़ता भी जाएगा और इसके साथ साथ राज्य नए नए उद्योगों को भी की भी स्थापना कर सकेगा। यानी राज्य का नियंत्रण इस पर रहेगा, उसको बढ़ा भी सकेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे उनसे भी ये आशा की गई थी कि राज्य को चलाने में वो उनकी मदद करें। यानी उनको कंपटीशन से बाहर निकालने की बात नहीं कही गई, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर में जो आपकी इंडस्ट्री बनी हुई है या जिनका विस्तार हो रहा है उनको ये प्राइवेट सेक्टर वाले मदद करें चलाने में, जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़ सके। इसके अंतर्गत लगभग 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। का वर्ग में 17 उद्योग थे और खा वर्ग में 12 उद्योग शामिल किए गए थे और इस तरह से इन दोनों के माध्यम से राज्य को ही सर्वोपरि माना गया था। तीसरा था कि जो उद्योग इनसे बच गए, यानी का वर्ग के 17 और खा वर्ग के 12 उद्योगों से जो बाकी के उद्योग बच गए हैं वो आपके गा वर्ग में डाले गए थे। इनको ज्यादातर निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में ये पनपेंगे, जैसे चाहे अपना विकास कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट था उसका नियंत्रण इनके ऊपर बना रहेगा और जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वो लागू होंगे। यानी पंख खोल करके ये उड़ नहीं सकते हैं, उड़ने की स्वतंत्रता है लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर जो इनका क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इनको उड़ने की पूरी स्वतंत्रता सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस तरह से 3 वर्गों के माध्यम से सबसे पहले तो इस नीति में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफाई किए गए थे का, खा और गा वर्ग के अंतर्गत। दूसरी चीज कही गई थी कि इन वर्गों में जो उद्योग हैं ये आपस में कोई अलग खंड नहीं है, कि इनको सूची में जरूर का खा गा किया गया है लेकिन ये कोई अलग से उद्योग नहीं है, इनको बिल्कुल अलग अलग रूप में ना देखा जाए, इनको एक समन्वित रूप में देखा जाए। और ये भी प्रयास किया गया कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए निजी क्षेत्र से पूरी करवा सकते, यानी निजी क्षेत्र भी उसके साथ समन्वय स्थापित करेगा कि बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी चीजों को बनाएंगे और जो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं वो निजी क्षेत्र से उनको पूरा किया जाएगा। तो इससे क्या होगा,
कि निजी क्षेत्र की भी भागीदारी इसके अंतर्गत बनी रहेगी। और इस तरह से इस पॉलिसी में ये भी चीज दी गई कि राज्यों ने अपने पास निजी क्षेत्र में प्रवेश करने का जो अधिकार था वो अपने पास सुरक्षित रखा, यानी कि जब भी चाहेंगे राज्य इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इनमें अपने स्वामित्व को बढ़ा सकते हैं, इन इकाइयों का पुनर्गठन कर सकते हैं और इनको जो चलाने की नीतियां हैं, जो संचालन नीतियां हैं, उनमें लगातार मार्गदर्शक की भूमिका में भी रह सकते हैं और उनके लिए जो अधिकार हैं उनमें अपनी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्वतंत्रता दी गई पर बंधी हुई स्वतंत्रता दी गई थी कि राज्यों ने उनके ऊपर हस्तक्षेप करने के का जो उनका अधिकार था वो राज्यों ने सुरक्षित रखा था। तो इस तरह से देखा जाए कि सरकारी और निजी क्षेत्रों के मिलकर के काम करने की बात की गई और सरकारी क्षेत्रों को एक सीनियर पार्टनर के रूप में देखा गया कि एक जैसे बड़े बुजुर्ग का हाथ रहता है कि आप काम कर सकते करिए, लेकिन कहीं गलती है तो डांटा भी जाएगा, उसके बनाए नियमों को फॉलो भी आपको करना पड़ेगा, बाकी स्वतंत्रता है। वही चीज रखी गई कि पब्लिक सेक्टर को एक सीनियर पार्टनर के रूप में रखा गया कि कहीं कोई गलती दिखेगी तो उसके लिए राज्य कभी भी उस क्षेत्र में, उस प्राइवेट सेक्टर में घुस करके उस उद्योग पर अपना नियंत्रण या संचालन का तरीका बदलने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। इसके साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि निजी क्षेत्रों को, चूंकि गांव वर्ग में निजी क्षेत्रों को पनपने का अधिकार दिया गया, तो ये भी कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो निजी क्षेत्रों के साथ एक अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार ना होने लगे, निजी क्षेत्रों को कहीं ऐसा महसूस ना हो कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं है, जब चाहे तब सरकार हमसे इन सब चीजों का अधिकार छीन सकती है। तो इसके लिए कहा गया कि जो राज्य हैं, जो अपने उद्योगों का विकास कर रहे हैं, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट का विकास करें, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का विकास करें, राजकोषीय नीतियों का विकास करें, सेवाओं का विकास करें और इसके साथ साथ उद्योगों के को विकसित करने के लिए जो सुविधाएं, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो राज्य की तरफ से दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनको ऐसा न महसूस हो कि सरकार हमारे साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार करती जा रही है। तो इस तरह से एक तरफ तो पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने का पूरा मौका दिया गया कि पब्लिक अंडरटेकिंग भी इसके अंतर्गत स्वीकार्य है, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको भी सामाजिक और जो उसकी आर्थिक नीतियां बनाई गई थी इनके बीच में काम करने का अवसर दिया गया, यानी परामर्श आप ले सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या है तो सरकार आपके सामने खड़ी है, बुनियादी ढांचा आपको चाहिए तो सरकार आपके लिए उपलब्ध है, अगर आपको राजकोषीय नीति में कुछ परिवर्तन चाहिए तो सरकार आपके सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो पॉलिसी में आपके लिए गवर्नमेंट रूल बनाए उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ कोई भी अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज है कि छोटे उद्योग हमारे विकसित हों, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग विकसित हों, क्योंकि शुरुआत में बड़े पैमाने के उद्योगों पर ज्यादा फोकस कर दिया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करने पे ज्यादा फोकस हो गया, तो ऐसा लगा कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं वो कहीं नष्ट ना हो जाएं, तो उनके पनपने के लिए हमने डिफरेंशियल टैक्सेस की व्यवस्था की, डायरेक्ट सब्सिडीज की व्यवस्था की कि जिससे जो हमारे कुटीर हैं, छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको लगातार सहायता देकर के ये प्रयास किया गया कि इनको कहीं ना कहीं बड़े उद्योगों में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि कब तक हम बड़े उद्योग सीधे स्थापित करते रहेंगे। तो इसके लिए कहा गया कि हम छोटे पैमाने के और लघु उद्योगों की स्थापना करें और उनको सहायता दे करके, उनको करों में रियायत दे करके इस योग्य बनाएं कि वो बड़े उद्योगों के समकक्ष खड़े हो सके। दूसरी चीज थी कि जो प्रादेशिक विषमताएं थी कि कहीं पर उद्योगों का विकास हो रहा था, कहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही फोकस था, तो ये जो जो डिस्पैरिटीज थी इनको दूर करने का भी प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दोनों कोऑर्डिनेट करके एक बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट पर जोर दें, जिससे कि कोई क्षेत्र बहुत आगे बढ़ जाए, कोई क्षेत्र पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो विकास के क्षेत्र में उद्योगों के आधार पर जो विषमताएं आ रही थी वो विषमताएं नहीं आनी चाहिए, इस नीति में इस पर भी जोर दिया गया।
इसके साथ साथ जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट था उसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए। जैसे कहा गया कि हमारी इकोनॉमी चूंकि कैपिटल कम है और औद्योगिकरण की गति हमको बढ़ानी है, नया तकनीकी ज्ञान भी चाहिए है, औद्योगिक तकनीक भी चाहिए है, तो इन सब के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की आवश्यकता होगी या हमें उद्यम की भी आवश्यकता होगी कि ऐसे साहसी आए, ऐसे एंटरप्रेन्योर आए फॉरेन से कि जो हमारे यहाँ इस तरह के ज्ञान को लेकर के इंडस्ट्री को खड़ा कर सके। लेकिन इसमें ये कहा गया कि ये सारे कार्य यानी विदेशी पूंजी और उद्यम जब भारत आए तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाए कि हमारे भारतीय हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मुख्य अधिकार है वो हमारे ही हाथों में रहना चाहिए, जो प्रभावी नियंत्रण है और जो ओनरशिप है ये दोनों भारतीय हाथों में ही सुरक्षित रहनी चाहिए। यानी फॉरेन कैपिटल भी आप मंगा सकते हैं, फॉरेन एंटरप्रेन्योरशिप भी आप किया सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ओनरशिप और इफेक्टिव कंट्रोल हमारे इंडिया के ही गवर्नमेंट के ही हाथ में रहना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं, लेकिन इस ढंग से ट्रेनिंग दिलाएं कि वो लंबे समय तक इसमें ना रहें, बल्कि जैसे ही ट्रेंड हो जाएं जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस कर सके, ट्रेंड होकर के उनको हटा करके और वो उनका स्थान लेकर के, तो इस तरह से ज्यादा भारतीयकरण पर, इंटरनेशनलाइजेशन पर जोर दिया गया कि हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो भारतीयता है उद्योगों के क्षेत्र में वो बरकरार रहे और कभी भी अगर ये जाए छोड़ करके तो हमारे उद्योगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक तीसरी पॉलिसी आपकी आई थी 23 दिसंबर 1977 को जनता सरकार के अंतर्गत, उसके अंतर्गत उस औद्योगिक नीति में देखा गया कि लगभग 20 वर्षों के आसपास सरकार ने उद्योगों की नीति में जो कुछ प्रस्ताव किए, जो नियम सबके आधार पर और तेजी के साथ नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, हमारे यहाँ गांव और शहरों के बीच में एक असमानता की खाई हो गई कि उसमें एक गैप आने लगा कि हमारे जो रूरल एरिया है वो बैकवर्ड होते गए और जो अर्बन एरिया है वो प्रोग्रेसिव होते गए, ये खाई बढ़ती गई, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रेट था उसमें भी कमी आई, यानी सारे प्रयास के बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रेट था वो ओनली 3.4% से अधिक नहीं बढ़ पाया। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सिकनेस भी आती गई, कुछ इकाइयां जो है वो रुग्ण होती गई, नहीं चलने लायक रह गई, उनका आकार बढ़ता चला गया, यानी कुछ तो पनप गई और कुछ बीमार इकाइयों में तब्दील हो गई और उनका जो आकार था, उनकी जो संख्या थी वो भी लगातार बढ़ती गई। तो ये सारी जो कमियां आई इनकी वजह से ऐसा महसूस हुआ कि जो नई औद्योगिक नीति बनाई जाए उनमें इन सारी चीजों को दूर करने का या जो विकृतियां उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो इसके लिए कहा गया कि जो छोटे पैमाने के क्षेत्र हैं उनके उनके विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि जो औद्योगिक नीति थी वो अब तक बड़े पैमाने के उद्योगों पर ज्यादा जोर दे रही थी क्योंकि हमने शुरुआत ही वहीं से की थी, और जो हमारे कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, वो लगभग किनारे लग रहे थे। यद्यपि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर हम अपने डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करेंगे, बिखरा हुआ करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी सी होगी क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इसकी तरह से अगर हम इनको उपेक्षित करेंगे तो हम विकास को लंबा नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो चाह करके भी हम उस ओर नहीं मोटिवेट कर पाए और बड़े उद्योगों का जो दायरा था वो बढ़ा, कुटीर उद्योग तो पूरी तरह से उपेक्षित रहे और छोटे उद्योग थे वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में बढ़ पाए थे। तो इस जो नई पॉलिसी आई उसके अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कस्बों में, बहुत भीतरी इलाकों में जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनके विकास को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये माना गया था कि भारत गाँव का देश है, यहाँ की आत्मा गाँव में बसती है, यहाँ का बड़ी मात्रा की जो जनसंख्या है, जो बड़े निवासी हैं वो गाँव में निवास करते हैं, तो आप शहरों का विकास कितना भी कर लीजिए लेकिन आपका देश विकसित नहीं हो पाएगा, तो विकास की धारा को बदलना पड़ेगा। तो छोटे स्तर से विकास को जब शुरू करेंगे तो ये बड़े स्तर पर अपने आप धीरे धीरे आता जाएगा। तो इसके लिए लघु क्षेत्र को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था कि एक तो कुटीर थे और लघु बिल्कुल घरेलू उद्योग थे जो
परिवार के सदस्यों की सहायता से, परिवार की पूंजी की सहायता से संचालित हो जाते थे। इसमें बड़ी मात्रा में श्रम नहीं चाहिए था। कुछ थे टाइनी सेक्टर, थे टिनी सेक्टर, पिद्दी क्षेत्र जिनको कहा गया था। इनमें ऐसी औद्योगिक इकाइयां थी जिनके अंतर्गत 1,00,000 रुपए से भी कम का निवेश किया जाता था। दूसरी चीज थी कि ये 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों में इनको स्थापित करने की बात की गई थी। यानी ये माना गया था कि अगर इसको छोटी इकाइयों में बांट करके करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरेट हो जाएगा, हर गांव के आसपास नजदीक में मिलेगा, तो उससे रोजगार का सृजन भी निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। और तीसरे नंबर पर रखा गया था लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत 10,00,000 रुपए तक के निवेश की इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया था। इसी में एक और था जो इसके सहायक उद्योग थे, उनको कहा गया कि 15,00,000 रुपए तक के निवेश का इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से इस नई पॉलिसी के अंतर्गत 1977 में उद्योगों को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो गाँव लेवल तक पहुंचती थी उनके तीन हिस्से कर दिए थे। एक तो बिल्कुल घरेलू या कुटी, एक टाइनी टिनी सेक्टर्स के थे और एक आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जिसके अंतर्गत आपके एंसिलरी यूनिट्स थी, सहायक उद्योग थे, वो भी इसमें शामिल थे। और इसके साथ साथ ये प्रयास किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र तक इस औद्योगिक नीति का प्रसार हो जाएगा और विकास आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा इस सरकार ने, जनता सरकार का शासन था, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी होगा जो मॉनिटरिंग करेगा कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास कैसा हो रहा है, इसका केंद्र बिंदु बनके उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, सारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाने वाले को चाहिए होती है या कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने में चाहिए होती है। तो इस जिला स्तर के उद्योग केंद्र का काम यही था कि जिला स्तरीय जो इकाइयां हैं उनका सुविधा और उनकी जो सामान है उनको भली भांति उपलब्ध कराना ताकि विकास के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। इसके साथ साथ जिला उद्योग केंद्र, विकास खंड, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन सबों ने मिलकर के लघु उद्योगों के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था जिससे कि हमारे छोटे उद्योग विकसित होते जाए। आज भी आप देखिए, आज भी इतने सालों के बाद भी हम लोग जो है स्टार्टअप के माध्यम से छोटे उद्योगों को और लघु उद्योगों पर ही निर्भर होने की पुनः बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हर क्षेत्र का भी तो छोटे उद्योगों के माध्यम से ही किया जा सकता है। 1997 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खादी और ग्राम उद्योग को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया गया, क्योंकि माना गया कि नई खादी का प्रोग्राम इसको नाम दिया गया था कि जो पॉलिस्टर खादी थी उसको कातने और बुनने वाले की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसके माध्यम से एक इनकम का नया सोर्स जनरेट हो, इस पर उन्होंने काम किया और एक नई खादी प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर लागू किया था। और तभी से खादी की क्षेत्र में क्रांति चल रही है और खादी वस्त्रों छूट भी दी जाती है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए और उसकी सप्लाई में को भी प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रामीण और लघु उद्योग थे उनके लिए नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी और उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी थी उसी के आधार पर उनके लिए छोटी और साधारण मशीनें बनाने के उद्योगों के विकास का भी प्रावधान किया गया कि हमारे लघु और कुटीर उद्योग जो कि ग्रामीण लेवल तक पहुंच रहे हैं तो उनको जो छोटी छोटी मशीनें हैं जो बहुत साधारण हैं, कम पैसे में आ जाती हैं, उनका विस्तार अगर किया जाए तो ग्रामीण स्तर तक इन उद्योगों को आसानी के साथ हम पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि जो बड़े उद्योग हमारे यहाँ लग चुके हैं या जिनका अब तक प्रचार प्रसार हुआ है दोनों इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो उनको हम इस तरह से पेश ना करें कि ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स वाली इंडस्ट्री है या इनमें फॉरेन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो एक स्टेटस सिंबल के रूप में आप उनको न प्रेजेंट करें, बल्कि आप यही सोच करके उनको रखें कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ इन जो बड़े पैमाने की या जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उनको जोड़ने का प्रयास करें, तब तो इनका फायदा होगा। क्योंकि जब आप इनको जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ेंगे तो निचले स्तर पर जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वो भी इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे और सभी का फैलाव बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि बड़ा जब नीचे को देखेगा और नीचा जब बड़े को देखेगा तो एक समन्वय स्थापित हो जाएगा और फिर दोनों का विस्तार होगा,
कृषि क्षेत्र भी हमारा मजबूत हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र भी हमारा मजबूत हो जाएगा। तो इस औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे कि एक तो आधारभूत उद्योग जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले थे, इनका विकास किया जाए। दूसरा, पूंजीगत वस्तु उद्योग जो कि आधारभूत उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए छोटी छोटी मशीनें हैं, इनकी सप्लाई करेंगे, मशीनों को बनाएंगे जिससे हमारे उद्योग रन कर सके आसानी के साथ। और तीसरे जो थे वो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योगों के लिए थे कि जिसमें बड़ी मात्रा में इन जो उच्च तकनीक वाले बड़े पैमाने के उद्योग हैं इनका विकास किया जाए। तो लगभग तीनों कैटेगरी में लेकर के इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा जो 807 मदें आरक्षित सूची में डाली गई थी उत्पादन के लिए और जो विकास के लिए तैयार थी, इनको जो है और बढ़ाने का प्रयास किया गया कि इनका विकास या इनका दायरा या इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने थे उनके प्रति भी दृष्टिकोण बदलने की बात कही गई थी, क्योंकि जो बड़े व्यापारिक घराने थे उनको कहा गया था कि ज्यादातर जो इनका विकास हुआ है वो इनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों से नहीं हुआ है कि इनके पास कोई संसाधन था बड़ी मात्रा में तो ये विकसित हो गए हैं, बल्कि जो हमारे सार्वजनिक संस्थान है, जो बैंकें हैं, उनसे जो उधार लिया गया है उससे ये पनप गए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किंग फिशर का, नीरव मोदी का, तो ये कोई अपनी जमा पूंजी से थोड़ी बन गए थे कि इनको व्यापारी घराना प्रतिष्ठित कह दिया जाए। इन्होंने सार्वजनिक संस्थानों से या बैंकों से जो उधार लिया था उसी से ये बड़े घराने बन गए थे। तो इसीलिए कहा गया था कि इनकी इस प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कि जो बड़े व्यापारी घराने हैं कहीं वो अपने कॉलर को हमेशा खड़ा ना रखें कि हम बहुत बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान हैं, उनको इस तरह से थोड़ा सा दबाया जाए कि आपकी अपनी पूंजी नहीं लगी है, हमने आपको पैसा उधार दिया इसलिए आप व्यापारी घराने बने हैं। तो उनको एकाधिकारी प्रवृत्ति से बचाने के लिए या उनमें मोनोपोली कहीं से निकलना है कि हम मोनोपोली रखेंगे यहाँ पर, तो उसको डाउन करने के लिए भी कुछ उपाय किए गए थे कि जैसे एक तो कहा गया था कि जितने भी बड़े व्यापारिक घराने हैं उनको जितना विस्तार उन्होंने कर लिया है वो कर लिया है, लेकिन इसके आगे अगर आप अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने सोर्सेस को जनरेट करना होगा फाइनेंस के लिए। यानी अब आपको उधारी नहीं मिलेगी, अब आप अपने सोर्सेस से जो फाइनेंस जनरेट करेंगे उसी से आप अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो स्मॉल स्केल है या छोटी इंडस्ट्री है उनको जब लाइसेंस प्रदान किया जाए तो उनको ये सोच करके ना दिया जाए कि उनकी क्षमता में बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ कोई विस्तार नहीं हो पाएगा। यानी ये माना जाएगा कि जो बड़े पैमाने के घराने हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं होगा, ये अपने तरीके से अपना विस्तार करेंगी, क्योंकि अगर उनके सामने उनको प्रतिस्पर्धी बना देंगे तो वो चूंकि पुराने हैं, बड़े व्यापारी घराने हैं, वो कंपटीशन में इनको बाहर कर देंगे। तो इसलिए इनके जो डेवलपमेंट का तरीका होगा वो अलग होगा, उन चीजों के उत्पादन का लाइसेंस न दिया जाए जो व्यापारी घराने बना रहे हैं, तब तो ये पनप पाएंगे और नहीं तो ये पनप नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, इनके हिस्से में जो लाइसेंस प्रदान करते समय इनके हिस्से में आने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ा दी जाए और बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें संख्या घटाई जाए तो भी इनका आकार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी और इनका विकास भी आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ये माना गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और खास तौर से जो सामाजिक महत्व की वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर जब डेवलप कर होते हैं तो वो अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, यानी केवल अपने प्रॉफिट को देख करके आगे बढ़ते हैं, वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इसलिए कहा गया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होगा उसके अंदर एक कल्याण की भावना होगी और इस कल्याण की भावना के साथ अगर विकास को आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर एक नए वातावरण का उदय हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया था कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनमें तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाए और धीरे धीरे फिर उनका विकेंद्रीकरण किया जाए कि जो सहायक उद्योग हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अलग अलग जगहों पर स्थापित किया जाए, प्रबंधन बड़े